number. Today we learn how to add numbers using these abacus. So first we will start with single digit number. For single digit number we have to refer this dot. हमने इसके पहले वीडियो में देखा था कि अगर सिंगल डिजिट नंबर है देन वी हैव टू रिफर दिस मिडल डॉट. ओके, सो इसमें क्या रूल है कि इफ अगर हम नीचे के बिट्स, ये लोअर बिट्स है, लोअर बिट्स को अगर हम अप करते हैं दैट मींस एडिशन, लोअर बिट्स को ऊपर करना दैट मींस इट इज ऐड, अगर लोअर बिट को मैं नीचे करती हूं दैट मींस इट इज माइनस, अपर बिट को नीचे करती हूं दैट मींस एडिशन, ऊपर करती हूं मतलब सबट्रैक्शन. लोअर बिट्स और अपर बिट्स में उल्टा है, लोअर बिट्स में अगर ये ऊपर होता है तब एडिशन होता है और अपर बिट्स में ये नीचे होता है तब एडिशन होता है. सो टुडे वी विल सी ओनली एडिशन. एडिशन में हमें सिर्फ ऊपर के बिट्स को नीचे करना है और नीचे के बिट्स को ऊपर करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट. एंड टू मूव लोअर बिट्स वी हैव टू यूज लोअर बिट्स को ऊपर मूव करना है वी हैव टू यूज थंब, और लोअर बिट्स को नीचे ले जाना है तो वी हैव टू यूज रिंग दिस इंडेक्स फिंगर. सेम वे अगर ये अपर बिट्स हमें ऊपर करना है नीचे करना है जो भी करना है वी हैव टू यूज विद दिस अवर इंडेक्स फिंगर ऑन. ओके, सो फर्स्ट इज वन. सी फर्स्ट नंबर वन, द नंबर इज वन, सो जस्ट मूव वन बिट अप. This is one. Now plus. See if no sign is given, that means it is addition in abacus. अगर यहाँ पे कोई sign नहीं दी है, that means it is addition. अगर minus होगा तो हम यहाँ पे ऐसे sign देंगे. Okay? So here no sign means we have to do addition. Now one. So we have already taken our lower bit up. एक हमने ऊपर किया. Now plus one. So again one. Now count the bits. One, two. हुए टू बिट्स हुए, सो आवर आंसर इज टू. नाउ बिफोर गोइंग टू सेकंड सम क्लियर अवर एबेकस, एबेकस को पहले क्लियर करना है. नाउ सेकंड, इन सेकंड द नंबर इज टू, सो वी हैव टू मूव टू बिट्स अप. अगेन इन एडिशन वी हैव टू ऐड टू विद टू, सो अगेन टेक टू बिट्स अप. नाउ काउंट टोटल वन टू थ्री फोर, सो आवर आंसर इज four. Now next, first is first clear the abacus. We have to clear the abacus. Now the abacus is clear. First is two, that means two bits up, then one. So one bits up. Now count one, two, and three. Okay. So now you all know the method of doing addition. Addition करने की method सबको पता चल गई है. तो अब हमें इस तरह से काउंटिंग करके नहीं करना है बिकॉज मैथ्स और एबेकस में डिफरेंस है. एबेकस में सीइंग द बिट्स जैसे मैं ऊपर करूं पता हो जाना चाहिए दिस इज फोर, अगर मैं ये दो ऊपर करूं टू, अगर ये करूं दैट मींस फाइव, अगर मैं इसको दो करूं दैट मींस सेवन, देखते से ही पता हो जाना चाहिए. ऐसे एक दो तीन चार वन टू थ्री फोर ऐसे काउंट नहीं करना है. तो नेक्स्ट सम हम विदाउट काउंटिंग करेंगे. ओके, वन so one, five, kitne hua six, just like six. Then quickly you have to quick seven, one, eight, again clear, five, four, nine, then five, two. Then again clear the abacus. 3, 5, 8. This is how you have to do addition. फटाफट आपको जो भी नंबर दिए हैं उस हिसाब से वो बीट्स को अप करना है और विदाउट काउंटिंग, ऐसे 5, 6, 7, 8 ऐसे करके काउंट करके नहीं लिखना है. सीइंग द बीट्स, बीट्स देखते से फटाफट आपको आ जाना चाहिए कि हाउ व्हाट इज द आंसर. Now we'll see addition using three numbers. Okay, so first is two, so we have to put two bits up. Next number is one. Here no sign means addition. So next number is one.
वन प्लस टू, सिक्स प्लस वन प्लस टू, नाइन. दिस इज हाउ यू हैव टू डू द एडिशन सम क्विकली, फास्ट, एकदम फास्ट करना है, जितना हो सके स्पीड अपनी बढ़ाओ. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइव प्लस टू प्लस वन, फाइव प्लस टू प्लस वन एट. Again it is 8. So this is how we have to do the addition. One more trick, you without using abacus, you have to do addition by visualizing. आपको imagine numbers को imagine करना है और addition करना है. See how, सबसे पहले आपकी eyes close करो, सबको अपनी eyes close करनी है. First क्या बोला है, 2, तो 1 टू, ऐसे फिंगर से जिस तरह से आप इसको अप करते हो वैसे फिंगर से ऐसे करो, वन टू, और दिमाग में याद रखो कि मैंने दो बिट्स ऊपर किए. अगेन नेक्स्ट बिट क्या है, वन, तो अगेन वन बिट ऊपर करोगे. मतलब भी आप इमेजिन आपको दिमाग में याद रखना है कि मैंने पहले दो अप की थी, अब वन में वापस एक और बिट अप की, दैट मीन्स अभी थ्री है. अगेन क्या है, सिक्स, तो वन मतलब फाइव एंड सिक्स, तो अभी कितने नंबर हुए वो आपको इमेजिन करना है कि नाइन आ गया. इस हिसाब से आंखें बंद करके आप जैसे जैसे नंबर्स दिए हैं उस, या तो मम्मी को बोलो कि वो ओरली डिटेक्ट कर, मतलब बोले आपको ओरली नंबर्स और आप विजुअलाइज करके एडिशन करो उसको. मैं एक आपको छोटा सा वीडियो सेंड करूंगी वो बच्चे का जो इस तरह से विजुअलाइज करके एडिशन कर रहा है, ठीक है? तो उसको देख के आप घर पे उसी तरह से ट्रेन हो कि विदाउट एबेकस, एबेकस टूल यूज किए बगैर इमेजिन करके किस तरह से आपको एडिशन करना है. सी यहाँ पे क्या है, टू, देन वन, सो वन, देन फाइव, तो डाउन, आंसर इज एट. दिस इज हाउ यू हैव टू डू विद विजुअलाइजेशन मेथड. ओके, नाउ वी विल सी एडिशन यूजिंग टू डिजिट, दैट इज वन्स एंड टेन्स. इफ द नंबर इज ऑफ टू डिजिट तो हमें ये मिडल डॉट और उसके बाजू वाले का यूज करना है. ये वाले रॉड मिडल डॉट, दैट इज ये जो येलो व्हाइट डॉट है वो, और उसके बाजू के रॉड दो को यूज करना है. थ्री डिजिट हो तो ये और ये तीन रॉड हमें यूज करना है. ओके, हियर टू डिजिट, दैट मींस टू, दिस टू रॉड. फर्स्ट इज 21, तो जस्ट डू 21, नो साइन मींस एडिशन. 05, 0 मींस इन टेंस प्लेस, दैट इज 0, मतलब हमें कुछ भी अप नहीं करना है, कुछ भी डाउन नहीं करना है. 5, सो यहाँ पे सिर्फ 5. नाउ कितना है ये नंबर, 26, सो आंसर इज 26. दिस इज हाउ वी हैव टू डू यूजिंग टू डिजिट, दैट इज टेंस प्लेस एंड वन प्लेस का. अगर दो डिजिट कर दिया हो तो वी हैव टू डू लाइक दिस. सेकेंड इज 61, फर्स्ट क्लियर द एरर्स. ओके, 61, सो 61, 61 मैंने यहां पे शो किया, 61. नाउ ओनली 6, तो 6 तो सिर्फ यहां से करना है क्योंकि यहां पे 10th डिजिट पे तो 0 है, तो हमें इस वाले रॉड पे कुछ भी नहीं काम करना है. ओनली 6, सो 5, 6. अब कितने हुए, 5, 6, 7, 5, 6, 7, तो 60. यहां पे क्या हुआ, 5 एंड 6, तो यहां हुआ 6, और ये कितना है, 5, 6 एंड 7, तो यहां हुआ 7, तो आवर आंसर इज 67. नाउ वन मोर सेकंड, 11, सो 1, 1, 11, 21, सो 21. अब कितना मिला हमें, 1, 2, 3, तो यहां 3, सो 31, 2, दैट मींस 2, 32. सेम वे ये भी आप विजुअलाइज करके कर सकते हो, आंखें बंद करके. यहाँ पे 11, तो दो फिंगर यूज करो, ये वाला वन्स प्लेस है, ये वाला टेंस प्लेस, तो दोनों हाथ का यूज करो. 11 मींस, उसके बाद कौन सा नंबर है, 5, तो इस तरह से 11 मींस दो बिट ऊपर किए, 5 मींस इस हाथ का मुझे कुछ नहीं करना है, टेंस प्लेस में नहीं है, सिर्फ वन्स प्लेस में 5 है, तो ऊपर से एक बिट नीचे लाऊंगी मतलब ऐसा, और नीचे से एक बिट ऊपर लाऊंगी मतलब ऐसा. अब काउंट करो कितना होता है, तो इन
इमेजिन करो, आप इमेजिन आपके दिमाग में चलना ही चाहिए कि मैं इनको कितने फीट ऊपर कर रही हूँ और कितने फीट नीचे कर रही हूँ, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 60। ओके, यहाँ पे हम एवरेज करके देखते हैं फटाफट। 11, 5 तो कितना हुआ, 1, 6, 16 सेम वे फर्स्ट क्लियर दैट इज अस, देन 71, 72 आंसर इज 73। ओके, नाउ क्लियर दैट इज अस, सेम वे 61 हो गया। नाउ 3 तो कितना होगा, 64 आंसर इज, यहां 64 हियर आंसर इज 73। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द एडिशन यूजिंग टू डिजिट। अगर थ्री डिजिट दिया हो तो भी सेम, अगर सपोज यहां पे 1 दिया हो और यहां पे 1 दिया हो तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। थ्री डिजिट भी सेम है, 611 फर्स्ट क्लियर एवरेज, एवरेज तो पहले क्लियर करो। ओके, नाउ एवरेज इज 611 तो हमें ये वंस प्लेस, कैच प्लेस एंड दिस इज 100 प्लेस, ये तीन रॉड यूज करेंगे, ठीक है। सो 5, 6 सेकंड इज 1 सो 1, थर्ड वन इज 1 सो 1। नाउ 061 तो यहां 0 है, 100 के प्लेस में 0 है, दैट मींस यहां पे हमें कुछ भी नहीं अप या डाउन करना है। सेकंड इज 6 तो यहां पे 5 एंड 6 एंड लास्ट इज 1 तो यहां 1 करेंगे। अब काउंट करो कितने पे चाहिए, 5, 6 तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे कितना है 5, 6, 7 तो ये होगा 7 और यहाँ पे कितना है 2 तो ये हो गया 2। सेम वे कितने भी बड़े डिजिट हो आप रॉड को यूज करके सॉल्व कर सकते हो, थ्री डिजिट का हो तो इस तरह से सॉल्व करना है। बट मेन थिंग कि एरेकस इज नॉट दैट इजी लाइक वर्ड्स, आपको इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने मिनिमम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। और विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट एबेकस टूल से भी आप प्रैक्टिस करो घर पे विजुअलाइज करके, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बड़े बड़े सम होंगे तो आपको विजुअलाइजेशन पावर इतना बढ़ाना पड़ेगा कि तुरंत आप विद इन द सेकेंड आंसर आना चाहिए। मैं जो भी वीडियो मैंने भी भेजा है वो आप उसमें देखो, वो जो भी स्टूडेंट